ऐसा पुल बनाने से, ऐसा ब्रिज बनाने से क्या लाभ? अब पुल तो कई बार टूट चुका है, हर बार बार टूट रहा है, मटेरियल कमजोर है, क्या है, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। ये तो करप्शन है। कब काम पूरा होना था, आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है, सरकार तो बदल भी गया। इसमें तो घटोला है ही है ना, इसमें तो सीमेंट कमी कमजोर दिया होगा, घटोला है हर चीज में, तो तभी ना गिर रहा है। सुबह 7:30 लगभग देखिए पुल इतना जोर से आवाज़ हुआ और गिरा नीचे धड़ाम से। अब पुल तो कई बार टूट चुका है, हर बार बार टूट रहा है, मटेरियल कमजोर है, क्या है, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। क्या लग रहा है लगातार पुल गिर रही है? सरकार का एक समय नाकामी है। कहाँ से कहाँ जाती है ये पुल आपका? भागलपुर से खगड़िया। हाँ, भागलपुर से खगड़िया जुड़ा हुआ है, अगवानी घाट होते हुए सुल्तानगंज अगवानी घाट से डुमरिया अगवानी तक इसका पुल बना हुआ है, और ये बाईपास जो पीछे बन रहा है उसमें मिला हुआ है ये रोड। हाँ, सड़क का तो काम चल रहा है जोर शोर पे, बढ़िया है, लेकिन पुल बहुत कमजोर है, बार बार गिर रहा है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई देखने वाला है। कब काम पूरा होना था, आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है, सरकार तो बदल भी गया। इस तरह से थोड़ी होता है, कभी गाड़ी घोड़ा अगर चलने लगे उस समय गिर जाएगा तो कितना लोग का जान माल का नुकसान होगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए सब चीज पे। आज गंगा में पुल ब्रिज गिर गया था, दो बार पहले गिरा था भी, आज भी गिर गया। एंगल था लोहा का और जो भी छत भी था पुल का वो भी गिर गया था और पहले भी गिरा था। ये तो करप्शन है, ये गरीब आदमी को, गरीब सभी को, इंडिया को तो GST भरना पड़ेगा, टैक्स लगना पड़ेगा, तो इस तरह सरकार है तो क्या आप लोग कह सकते हैं, हम क्या बोलेंगे सर? कब ये घटना हुई? वही लगभग 7 बजे के बीच में। क्या लग रहा है आपको इसमें? लगातार पुल गिर रही है। इसमें तो घटोला है ही है ना, इसमें तो सीमेंट कमी कमजोर दिया होगा, घटोला है हर चीज में, तो तभी ना गिर रहा है। इसमें तो पुल गिरने के बाद ऐसा ऐसा ब्रिज बन रहा है, ऐसा पुल बन रहा है क्या कि आज भी 100 साल से करे अमान है ही है, लेकिन आज के डेट में बना तो आज 4-5 साल के अंदर में ही गिर गया, शुरू यानी उद्घाटन होते होते हुए गिर गया, तो इससे क्या लाभ उनसे मिल सकेगा? उनसे तो नुकसान है, ऐसा पुल बनाने से, ऐसा ब्रिज बनाने से क्या लाभ? सरकार को ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा ऐसा इंजीनियर कलेक्टर मजिस्ट्रेट को और सब अफसर को करना चाहिए। ये तो करप्शन है सर, करप्शन को कोई मिटा नहीं सकता है, तो सरकार मिटा सकता है तो वो भी मिली भगत है, और क्या है।